Hey guys, welcome back to my new blog. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे. हम भी बहुत बढ़िया हैं. तो आप सभी को सबसे पहले हमारी ओर से नमस्कार और प्रणाम है. तो गाइस, एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ. तो आज हम लोग आए हुए हैं बरेली के सबसे प्रसिद्ध धोपा मंदिर पे. तो गाइस, आइए और दर्शन करते हैं धोपा मंदिर के. तो गाइस, हम लोगों ने ले लिया प्रसाद और जल में भूंगी अभी अंदर से. चलते हैं दर्शन कर. मेन एंट्रेंस अब हम अंदर जा रहे हैं. ये अंदर का पूरा प्रांगण मंदिर का. ये पूरा मंदिर प्रांगण है. मंदिर का एंट्रेंस जो सीधे भोलेनाथ के पास जाता है. यहाँ है भोलेनाथ का मंदिर. गाइस, ये पूरा प्रांगण अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर. ये है हमारे भोलेनाथ का द्वार, शिवलिंग. अब भक्तजन पूजा करते हुए. ये है हमारा शिवलिंग मंदिर का. दूसरा मंदिर भोलेनाथ के दर्शन के बाद. शीशे के रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा है. मंदिर बहुत पुराना. मेरे एक द्रौपदी के गुरु उन्होंने इसने इनकी स्थापना की थी. यहाँ पे वो यहाँ तक पहले आए थे तो यहाँ पे उन्होंने ये शिवलिंग हुए. अच्छा, इनकी स्थापना उन्होंने की थी. अच्छा, भोलेनाथ की जो स्थापना करी है वो उन्होंने करी है. मतलब उनको यहाँ पे पन्ने में उन्होंने मिले तो उन्होंने यहाँ पे इनकी स्थापना उन्होंने करी थी. उसके बाद अच्छा, ये द्वापर युग का है मंदिर. अच्छा, द्वापर युग का मंदिर है. तो बहुत पुराना मंदिर है. बहुत पुराना, काफी टाइम से यहाँ पर है. मतलब बहुत पहले से. और जहाँ बाकी सावन में यहाँ शहर का मेला लगता है. सावन का लगता है गाँव वालों का. अच्छा, शहर सावन का मेला लगता है शहर वालों का. अब भादों का मेला लगता है. गाँव वाले वो आते हैं धोपा मैया के नाम से. अच्छा, वो धोपा मैया के नाम से जो यहाँ पे वैष्णो मैया की जो वो है इसी में. अच्छा, इसी में ही इसको धोपा मैया के नाम से वो कहते हैं. दो नाम से. अच्छा, दो नाम से. ये शहर वाले धोपेश्वर नाम बाबा के नाम से. हाँ. आते हैं वो धोपेश्वर मैया के नाम से आते हैं. वो सरोवर में स्नान करते हैं. अच्छा, वो आ जाते हैं. मतलब पहले तो एक दो दिन पहले से आते थे. अब तो माहौल के इससे उसी दिन आते हैं. एक दिन पहले आ जाते हैं. कोई पहले आ जाता है तो कोई उसी दिन आता है. अच्छा, तो सरोवर में स्नान करते हैं सुबह. तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद मेला करते हैं. मेला करके शाम को अपने घर जाते हैं. ठीक है, धन्यवाद. आपने हमको बहुत नॉलेज दी. हमको पता नहीं था ये बात. हाँ. मंदिर के बारे में. जो सरोवर है ये चरम रोग का वो है. अच्छा, स्नान करने से चरम रोग दूर होता है. इस वाले सरोवर में. हाँ. अच्छा, अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे.
जय हो बजरंग बली, जय हो प्रभु, लक्ष्मी माता सूर्य भगवान हमारे यहाँ के जो दर्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको कराएंगे माता रानी के दर्शन, माता रानी की गुफा के दर्शन, जिसके लिए ये बहुत फेमस है मंदिर। आइए फिर हमारे साथ वहाँ चले जाए। खाते हैं यहाँ का फेमस सरोवर, जहाँ पर स्नान करने से काफ़ी सारे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। ये देखिए, ये है वो विशाल सरोवर, परिसर के अंदर ही है ये। ये देखिए, ये है पूरा सरोवर और मंदिर परिसर। सो गाइस, ये वही सरोवर है जिस सरोवर में स्नान करने से जो चर्म रोग होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब हम जा रहे हैं माता रानी की गुफा के दर्शन करने। ये है पवित्र माँ वैष्णो देवी की गुफा। गुफा ये है पवित्र गुफा में जाने के लिए रास्ता। अंदर से पानी लेंगे? हाँ नहीं, ये है पवित्र गुफा। अरे पानी बहुत है यार। ये देखिए हम गुफा के अंदर पानी के बीच से होते हुए, ये है पूरी गुफा। ऐसे जाते हैं यहाँ पर। और ये है माता रानी के सारे रूप। अंदर हमारे पंडित जी थोड़ा बहुत इस गुफा के बारे में बताइए, हमको तो नॉलेज थोड़ी कम है, थोड़ा कुछ बता दीजिए इसके बारे में। पिंडी रूप में माता विराजमान है। पिंड रूप में माता विराजमान है। सरस्वती माता की पिंडी है, वो वैष्णो की पिंडी है, बीच में महाकाली की पिंडी है। अच्छा, माता के हर रूप के यहाँ विराजमान है इस गुफा के अंदर। और मैं भटक गई थी रास्ता। और गुफा के दर्शन करके अब हम बाहर आ चुके हैं। जय हो बोले। भगवान के हर रूप फोटो खींचने के लिए नहीं है, ये रूप दिखाने के लिए। अब हम बाहर आ गए, बाहर ये बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाती हुई, हाथ जोड़ती हुई, जय हो बजरंग बली। हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं पूर्ण रूप से समाप्त, और हमने पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मंदिर के पूरे दर्शन किए होंगे हमारे साथ साथ में। तो गाइस, यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग की हम लोग समाप्ति, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री शंभो।